साल 2013 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव सिर पर थे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी सिद्धरमैया ने एक घोषणा की कि यह चुनाव मेरे राजनीतिक करियर के आखिरी चुनाव हैं। उस साल कांग्रेस ने कर्नाटक की 224 सीटों में 122 सीटें जीतकर बहुमत वाली सरकार बनाई। 10 मई 2013 को सिद्धरमैया को विधायक दल का नेता चुन लिया गया और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब 2018 चुनाव सिर पर है, फिर से सिद्धरमैया का वही दाव, कांग्रेस का वही दाव। 2013 में ही अपने राजनीतिक करियर के आखिरी होने का ऐलान कर चुके सिद्धरमैया एक बार फिर से कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो क्या ये कांग्रेस की मजबूरी है या ये कांग्रेस की मजबूती है? नमस्कार, मैं खबरी लाल जनार्दन आज आपको सिद्धरमैया के शख्सियत के बारे में बताऊंगा। वो शख्स जो हमेशा एक लुंगी में और एक सफ़ेद कुर्ते में दिखाई देता है, परिधान धारण किए होता है, आज हम उसकी बात करेंगे। एक व्यक्ति जिसने गांव में जानवर चराए हो आज इस मुकाम पर है, मेरे लिए यही प्लस पॉइंट है। ये वक्तव्य सिद्धरमैया ने तब दिया था जब उन्हें पहली बार कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया गया था। सिद्धरमैया कुरबा जात से ताल्लुक रखते हैं, जो खेतीबाड़ी और पशुपालन का काम करती है। कुरबा सूबे में तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। इसके बावजूद सिद्धरमैया खुद को कुरबा नेता की बजाय पिछड़ों का नेता कहलाना पसंद करते हैं। सिद्धरमैया का जन्म कर्नाटक राज्य के मैसूर से 23 किमी दूर सिद्धार मनहुंडी गांव में हुआ था। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सिद्धरमैया के पिता ने बचपन में ही उन्हें मंदिर भेज दिया था, जहां वो हस्तकला सीखा करते थे। 10 साल की उम्र तक उन्होंने रेगुलर शिक्षा हासिल नहीं की थी, लेकिन देर से स्कूल जाने के बावजूद वो पढ़ाई में होनहार थे और उन्होंने राज्य की बोर्ड में टॉप किया। उन्होंने BSc और फिर वकालत की डिग्री भी हासिल की। माना जाता है कि राम मनोहर लोहिया से प्रेरित होकर वे राजनीति में आए। सिद्धरमैया पिछले 35 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। 1983 में उन्होंने मैसूर की चामुंडेश्वरी विधानसभा सीट से पहली बार लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 35 साल बाद 2018 में भी उन्होंने चामुंडेश्वरी सीट से ही कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सिद्धरमैया JDS के जनता दल सेकुलर के एक समर्पित नेता थे, लेकिन साल 2005 में उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और 10 मई 2013 को बचपन में जानवर चराने वाला एक शख्स कर्नाटक राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। ।1978 तक सिद्धरमैया वकालत की प्रैक्टिस करते रहे थे। उस वक्त देश में सिंहासन खाली करो की जनता आती है की बयार चल रही थी। सिद्धरमैया ने भी राजनीति में आने का फैसला कर लिया। उन्होंने पहली बार लोकदल के टिकट पर चामुंडेश्वरी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और सभी को हैरान करते हुए चुनाव में जीत भी हासिल की। साल 1985 में हुए मध्यावधि चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज की और पहली बार राज्य सरकार में पशुपालन मंत्री बनाए गए। साल 1994 में सिद्धरमैया एक बार फिर चुनाव जीते और जनता दल की देवगौड़ा सरकार में वित्त मंत्री बनाए गए। अब तक उनका राजनीतिक कद काफी बड़ा हो चुका था। वे कर्नाटक में जनता दल में नंबर दो माने जाने लगे थे। 1996 में उन्हें सूबे का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। जब जनता दल का विभाजन हुआ तो HD देवगौड़ा का साथ देते हुए सिद्धरमैया ने जनता दल सेकुलर में शामिल होना ठीक समझा। साल 2004 में जब कांग्रेस और JDS की गठबंधन वाली सरकार बनी तो सिद्धरमैया को एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया गया। साल 2005 में JDS के HD देवगौड़ा ने सिद्धरमैया को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। माना जाता है कि देवगौड़ा अपने बेटे HD कुमारस्वामी को आगे बढ़ाना चाहते थे। उस वक्त कुमारस्वामी एक उभरता हुआ सितारा थे, इसलिए ऐसा किया गया। बाद में सिद्धरमैया ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और साल 2006 में चामुंडेश्वरी सीट से ही विधानसभा चुनाव जीता। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में येदुरप्पा का जादू चला और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता चली गई। लेकिन येदुरप्पा के भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरने के बाद उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी और प्रदेश की जनता ने फिर से सिद्धरमैया पे भरोसा किया। कांग्रेस पार्टी में उन्हें वो हासिल हुआ जो JDS में रहते हुए कभी नहीं मिला। 2013 में सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनाए गए। सिद्धरमैया ने पार्वती नाम की एक महिला से शादी की है। वो सार्वजनिक जगहों पर आमतौर पर नहीं दिखाई देती हैं। सिद्धरमैया को दो बेटे थे, लेकिन एक बेटे की एक हादसे में मौत हो गई। अब उनका दूसरा बेटा इस बार
राजनीति में उतर सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। उसने डॉक्टरी की पढ़ाई कर रखी है, लेकिन सिद्धरमैया उसे राजनीति में इस बार लाना चाहते हैं। मैं जनार्दन आपको कर्नाटक विधानसभा चुनाव की अंदर की बाहर की ताजा तरीन जरूरी जानकारियां लगातार देता रहूंगा। इसके लिए आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना होगा। लोकमत न्यूज हिंदी के नाम से हम YouTube पर मौजूद हैं। आप हमसे Facebook पर भी जुड़ सकते हैं, लोकमत न्यूज नाम से आप वहां हमें सर्च कर सकते हैं। देश दुनिया खेल मनोरंजन लाइफस्टाइल की ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट पर बने रहिए, www.lokmatnews.in सेव कर लीजिए।